दोस्तों, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं बायो एनर्जी के बारे में। बायो एनर्जी मींस जैव ऊर्जा। इट मींस जो वेस्टेज से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्टेज जो जीवों का वेस्टेज हो सकता है, ह्यूमंस का वेस्टेज है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज निकलता है, घरों से जो वेस्टेज निकलता है, इसी प्रकार से पेड़ पौधों से जो वेस्टेज निकलता है, फलों का जो वेस्टेज है, उसकी सहायता से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोला जाता है बायो एनर्जी। ये जो बायो एनर्जी है, ये बायोमास की सहायता से बनाई जाती है। बायोमास के सोर्स क्या-क्या हैं? जैसे यहां से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लकड़ियों का वेस्टेज, यानी लकड़ियां हैं, जो जानवर हैं उनका जो वेस्टेज है, फलों का जो वेस्टेज है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज है, या फिर आप लोग देख सकते हैं घरों से जो वेस्ट निकल रहा है, या फिर पेड़ पौधों से जो वेस्टेज आ रहा है, वो सब सोर्स हैं बायोमास के। ये जो बायो एनर्जी है, एक प्रकार का रिन्यूएबल सोर्स है, एनर्जी का रिन्यू करने का। रिन्यूएबल मींस दोबारा से जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हम लाइसेंस का यूज करते हैं, तो लाइसेंस की कोई एक्सपायरी डेट है, एटीएम कार्ड यूज करते हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, तो उसके बाद उसको हम रिन्यू करवाते हैं। तो इसीलिए ये एक प्रकार का रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। ये जो बायोगैस बायो एनर्जी है, तो बायो एनर्जी एज ए यूज्ड एज ए सस्टेनेबल पावर सोर्स। द बेसिक यूज ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड एज ए सस्टेनेबल इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट इज द सस्टेनेबल पावर सोर्स। सस्टेनेबल पावर सोर्स में एक प्रकार से हम बात करें तो सोलर की है, विंड की है, तो ये सस्टेनेबल पावर के सोर्स है। ये जो बायो एनर्जी है, ये बेसिक हमें प्रोवाइड करती है, जो इनकी सहायता से, बायोमास की सहायता से हम इनको लेते हैं, तो ये प्रोवाइड करती है हीट, गैस प्रोवाइड करती है और फ्यूल प्रोवाइड करती है। ये चीजें हमें ये एक प्रकार से प्रोवाइड कर दिया। तो 100 ओवरऑल जो अबव लाइंस हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि बायो एनर्जी जो है टाइप ऑफ एनर्जी है दैट इज मेड फ्रॉम बायोमास। अब यहां पे समझते हैं कि इसका जो रॉ सोर्स है, जो रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ सोर्स है उसकी सहायता से जो हम एनर्जी बनाते हैं, तो मेनली तीन सोर्स होते हैं। उन तीन सोर्सेज की सहायता से, तीन प्रोसेसेस समझे उसको, तीन प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस की सहायता से हम आसानी से इसका जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल की सहायता से कन्वर्जन कर सकते हैं एनर्जी के अंदर। तो ये है बेसिक तीन जो इसके प्रोसेसेस हैं, जैसे केमिकल है, थर्मल है, और जो तीसरा है वो बायोकेमिकल है। तो ये तीन मेनली सोर्स है। अब सबसे पहला जो केमिकल सोर्स है, तो केमिकल इसका जो प्रोसेस है उससे मीनिंग क्या है, एक केमिकल एजेंट हम यूज करते हैं ताकि जो भी चीजें हैं उनको ब्रेक डाउन किया जा सके, तोड़ा जा सके, फिर उसको एक प्रकार से लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। ये मेनली इसमें एक केमिकल एजेंट का हम यूज करते हैं। दूसरा है थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग थर्मल कन्वर्जन करते हैं, और थर्मल जो कन्वर्जन है वो यूज होता है एज ए हीट। उसमें हम लोग हीट का यूज करते हैं टू चेंज द सोर्स। जो सोर्स है उसमें बेसिकली हम लोग हीट का यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। किस प्रोसेस से, या तो थ्रू कंबशन प्रोसेस या फिर थ्रू गैसिफिकेशन प्रोसेस, मींस गैसिफिकेशन प्रोसेस की सहायता से, या फिर हम लोग इसको करते हैं कंबशन की सहायता से। लास्ट जो प्रोसेस है इसमें वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया का यूज करते हैं या कोई अदर ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं उस सोर्स को जो है कन्वर्ट करने में, ताकि आसानी से उसकी सहायता से एनर्जी को बनाया जा सके। किस और आगे किस प्रोसेस से करेंगे, थ्रो कंपोस्टिंग कर देंगे या फिर फर्मेंटेशन कर देंगे। इस प्रकार ये तीन मेनली इसके प्रोसेसेस हैं। इन तीन मेनली प्रोसेसेस की सहायता से हम बायो एनर्जी का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। अब समझते हैं एडवांटेजेस, बायो एनर्जी जो है उसके बेसिक क्या बेनिफिट्स हैं। यदि हम बायोमास का यूज करके बायो एनर्जी क्रिएट करें,
तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहला वाइड अवेलेबिलिटी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से हम बायोमास प्राप्त ना कर सकें। पेड़ पौधे फूल पत्तियां इस प्रकार की चीजें, जो जानवर हैं उनका जो वेस्टेज है उसको हम ना प्राप्त कर सके वहां से। सीवेज, सीवेज का जो वेस्टेज आता है, तो इट मींस बहुत ज्यादा इसकी वाइड अवेलेबिलिटी है, बहुत प्रचुर मात्रा में और बहुत एक्सेस क्वांटिटी में है। दूसरा बहुत ही सस्ता है, एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम आसानी से इसको ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं और इसकी सहायता से बायो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, इट मिनिमाइज ओवर डिपेंडेंसी। ओवर डिपेंडेंसी मींस जो ट्रेडिशनल एनर्जी का हम यूज करते हैं, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उसके कंपेयर में अगर हम बायो एनर्जी का यूज करें तो जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है कि हम यही यूज करेंगे, यही यूज कर सकते हैं जो लेटेस्ट एनर्जी है कोयले की सहायता से या वाटर की सहायता से जो एनर्जी बना रहे, उस चीज को ये मिनिमाइज कर देता है क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज, इसके फायदे, रिडक्शन इन लैंड फिलिंग। जब हम जो वेस्टेज है, वेस्टेज को लैंड के अंदर फिल ना करके, जमीन में उसको ना दबा करके एज ए बायो एनर्जी क्रिएट करने लग जाए, तो इससे लैंड फिलिंग में बहुत ही रिडक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो इसलिए लैंड फिलिंग में रिडक्शन होती है जब हम बायो एनर्जी क्रिएट करते हैं बायोमास की सहायता से। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो एनर्जी है रिन्यूएबल टाइप है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा से इसको, इस एनर्जी को दोबारा से हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि एटीएम है या फिर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये हम जब एक्सपायरी डेट होती है तो दोबारा से रिन्यू करवाते हैं। लास्ट है रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें ये बहुत ज्यादा रिडक्शन करता है, जो ग्रीन हाउसेज जो क्रिएट करती हैं, जो क्रिएट होती चली जाती हैं, तो उन चीजों में बहुत ही कमी आ जाती है यदि हम बायो एनर्जी का यूज करें। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है, बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं यदि हम लोग बायो एनर्जी को क्रिएट करें, बायो एनर्जी को बनाएं। अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, क्योंकि कोई भी चीज है उसके बेनिफिट है तो उसके कहीं ना कहीं कोई डिसएडवांटेजेस है। तो बायो एनर्जी के क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, इसके जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इट मींस इसका एक डिसएडवांटेज हो गया मोर वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब हम एज ए लकड़ियों को वहां पे यूज करते हैं या फिर ये जो सभी चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन के चांसेस रहेंगे। डिफोरेस्टेशन से मीनिंग क्या है, डिफोरेस्टेशन से मीनिंग है जो पेड़ों का कटाव रहेगा, पेड़ जो है हम कटाई करेंगे, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी, तो डिफोरेस्टेशन के चांसेस रहेंगे बायो एनर्जी को बनाते टाइम, बायो एनर्जी को क्रिएट करते टाइम। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है नॉट एंटायर क्लीनिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली एंटायर क्लीनिंग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब इस प्रोसेस की सहायता से बायो एनर्जी का हम क्रिएट करते हैं, बायो एनर्जी बनाते हैं, तो उसमें चांसेस रहता है मीथेन गैस के क्रिएट होने के, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ ही एक बहुत ही अजीब सी वहां पे स्मेल हो जाती है जहां से हम बायो एनर्जी को क्रिएट करते हैं, वो भी पीपल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। लास्ट है चांसेस ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। जब जहां पे ये क्रिएट हो रहा है तो उसके आसपास के कुछ एरियो पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर, पीपल्स की जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ही डीप इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कोई एडवांटेज भी है किसी चीज के, तो कोई डिसएडवांटेज भी है। तो ये था दोस्तों बायो एनर्जी क्या है, बायो एनर्जी को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, मेनली उसके सोर्स क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। थैंक यू दोस्तों।